ये लालू यादव का आप लोग सपोर्ट करते हैं फिर है है, जुटेगा समय होगा करत करते जा, सुजान, हुआ है फिर तो फिर जमीन पर विकास ऐसे नहीं है नौकरी करने वाला जो करोड़पति हो रहा है घुस खाते खाते कितना को सीधा बिना भी, भी, डिग्री ले शिक्षक हो जाता है वो तो सर्टिफिकेट बिकता है हो जाता है कितना बार इंटरव्यू लिए एस एस सी का लीक कैसे हो जाता है जब सरकार दुरुस्त है तो क्वेश्चन कैसे लीक हो गया ये सारा बिहार का बेरोजगार आदमी जो है बी ए पास करके कर सर्टिफिकेट लेकर चाहते अपना तो तो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से कर, कर दिए थे बारह बजे रात में उठ के चले जाते थे तेजस्वी यादव युवा है वो काम करने वाला लोग है तेजस्वी यादव को बुर्वक लड़का थोड़े है वो सीएम लालू यादव के लड़का है तो पिताजी का गुण तो कुछ होगा ना करेगा बीजेपी चाहे पाँच हजार रुपए सिलेंडर हो जाए लेकिन तो भी मैं बीजेपी का ही वोट दूंगा हजार होगा फिर भी, भी हाँ, बीजेपी हाँ ओनली फॉर बीजेपी कैसे उखार फेंक देने का पावर नहीं है किसी को मोदी भी जाएगा मोदी को खुद सर राज नहीं है नेपाल में खुद सर राज था लेकिन नेपाल में याद अब कुछ नहीं कर पाएगा वो बुढ़ापा हो गया एक पैर कबर में है दूसरा भी पैर चला जाएगा ये घोटाला के मामला है तो घोटाला के मामला है तो उस समय तेजस्वी यादव कितना बड़ा होंगे तो बच्चा थे बच्चा में कोई घोटाला रुपया होगा फिर भी हम देंगे राजद का ही वोट जी सिलेंडर से, से हम लोग का भोजन तैयार होगा उसका विस्तार रूप से हो रहा है जैसे अभी झारखंड में भी हुआ है तो वहाँ का भी सिम गया है और आने वाला बिहार का भी बात है तो ईडी का जांच में बिहार का भी सीएम है जो मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव हैं उनके घटे हाँ हाँ उनको मुश्किलें बढ़ रही है वो भी जाएंगे पलटू चाचा के वजह से जो अपना कुछ कारनामा जो दिखा रहे हैं ये कारनामा इसी जो है जो उलट पुलट का जो फेरा चल रहा है हम लोग को जो गुमराह कर रहे हैं इस प्रकार से जो गुमराह हम लोग को नहीं कर यही में ये सब है कोई लोग कह रहे हैं कि हजार दस हज़ार रुपये ये सिलेंडर हो जाएगा फिर भी हम बीजेपी को वोट देंगे सिलेंडर होने वाली बात नहीं है दस हज़ार रुपये सिलेंडर हो जाएंगे उतना तो है नहीं क्षमता ठीक है जहाँ तक की है तहाँ तक लगे हम लोग जो है जहाँ से होगा हम लोग मदद करेंगे हाँ तो सपोर्ट करेंगे ना हम लोग तो सपोर्टर है ये सरकार टूट गया उनका टूट गया है फिर जुटेगा समय होगा करत करते है निशान सूर्योदय हुआ है तो फिर शाम होगा कहीं आरजेडी को खत्म करने के फिराक पे तो नहीं है ना ना खत्म कैसे हो जाएगा उखाड़ के फेंक देने का पावर नहीं है किसी को मोदी भी जाएगा मोदी को सर राज नहीं है नेपाल में खुद सर राज था लेकिन नेपाल भी टूट गया तो मोदी जो है उनको भी शमशान घाट पहुंचना पड़ेगा कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा असल संपत्ति उनको पास में नहीं है नीतीश कुमार नौवा बार शपथ ग्रहण किए हैं पलटू पलटू काहे है, कहते हैं पलटू कहता है दरबदलू है इसलिए बोली का कोई ठिकाना नहीं है बोली का कोई ठिकाना नहीं है तेजस्वी यादव ने उसका मान सम्मान दिया उम्रदराज दराज करके पिताजी का जोर था इसलिए मतलब जो उनको मान सम्मान दिया जो परेशान नहीं करता है परेशान वो करता है राजद वाले को वो परेशान करता है राजद वाले को वो परेशान करता है पलटू राम जी हम यही चाहते हैं कि बीजेपी बीजेपी हमेशा हमेशा इलेक्शन जीती है और जीते रहेगी ऐसे तो चाचा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव आएंगे तेजस्वी तो यादव मुख्यमंत्री प्रधान अरे लालू यादव कुछ नहीं कर पाएगा वो बुढ़ापा हो गया एक पैर कब्र में है दूसरा भी पैर चला जाएगा आज है कल नहीं ऐसे में देखिए बीजेपी जो कर रही है एक तरह से अच्छा ही कर रहा है क्योंकि वो अभी राम मंदिर के लिए मुद्दा नहीं है इलेक्शन में ये है कि जो अभी ईडी का जो जाँच है उसका विस्तार रूप से हो रहा है जैसे अभी झारखंड में भी हुआ है तो वहाँ का भी सिम गया है और आने वाला बिहार का भी बात है तो ईडी का जांच में बिहार का भी सीएम है जो मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव हैं उनके लिए बढ़ रही है हाँ हाँ उनको मुश्किलें बढ़ रही है वो भी जाएंगे लेकिन हम तो ओनली फॉर बीजेपी चाहे पाँच हज़ार रुपये सिलेंडर हो जाए लेकिन तो भी मैं बीजेपी का ही वोट दूंगा पाँच हजार होगा फिर भी बीजेपी हाँ ओनली फॉर बीजेपी बीजेपी उनको सम्मानजनक सीट देने नहीं जा रहा है क्योंकि इनको इतिहास को पूरा बिहार पूरे हिंदुस्तान ही जान गया है जो किस तरह के है तो ऐसे भी जात को क्या कहे बढ़ रहा है उनके परिवार वालों को किसको ई डी लगातार पूछताछ कर रही है थे से, यादव से कल लालू यादव से पूछताछ हुआ था अच्छा पूछताछ हुआ, अच्छा, हुआ तो ये आपको पता होना चाहिए जो जिस समय घोटाला के मामला है तो घोटाला के मामला है तो उस समय तेजस्वी यादव कितना बड़ा होंगे वो तो बच्चा थे बच्चा में कोई घोटाला कर सकता था वो पढ़ने योग भी नहीं थे और वो लोग बीजेपी वाले इन पर बाज बार गाज गिरा रहा है इसके लिए तो उन्हीं को सोचना चाहिए तुरंत मुकेश आनी भी आकर पूरे समाज जो है सहनी वर्ग के लोग हैं वो आर के साथ है और मुकेश सहनी भी यहाँ मदद करे उनको साथ साथे कैसा व्यवहार किया है बीजेपी वालों से आप नहीं देखे है मीडिया वाला भी नहीं देखे हैं जो आरजेडी 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 अगर आर्जेडी, आर्जेडी वाला मुकेश सहनी को पैर धोएगा पैर धोने के क्या बात है बबुआ है अंग है मेरा अंग है सहनी भी मेरा अंग है सहनी कोई दूसरे समाज का थोड़ा सदियों से आरजेडी के मदद करते हुए आया था इतना दिन से सरकार चला तो आरजेडी कोई अपने बल पर वो तो ए टू जेड का पार्टी है पूरे बिहार के पूरे भारत में वो अपने लिए कुछ नहीं किया फिर बनेगा एकदम हंड्रेड परसेंट बनेगा तो पूरा 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 सपोर्ट करते हैं पूरा सपोर्ट हंड्रेड परसेंट बनेगा ही हंड्रेड परसेंट आर आएगा तो आएगा बिहार में बीजेपी वाला कहाँ जाएगा बीजेपी वाला जाएगा, जाएगा जहाँ था वहाँ फिर चले जाएगा सीएम हम चिराग पासवान जी को देखना चाहते हैं और तेजस्वी यादव जी को चिराग पासवान जी के साथ रहना चाहिए नीतीश चाचा तो पलटू चाचा है बार मुख्यमंत्री बन गए अपना इतिहास बना रहे हैं क्या बिहार भिका, में विकास हुआ कुछ विकास नहीं हुआ कुछ विकास नहीं हुआ है ये कहते हैं महिला सशक्तिकरण मैं पूछता हूँ जो महिला सशक्तिकरण महिला सशक्त कब होगी आज भी महिला मजदूरी कर रही है खुरपी की बंद कर रही है उसका विकास कब होगा राम बिलास जी कहे थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है तो ज़मीन पर विकास हैते नहीं है नौकरी करने वाला जो है करोड़पति हो रहा है घुस खाते खाते कितना कुछ बिना डिग्री ले लेना शिक्षक हो जाता है वो तो सर्टिफिकेट बिकता है अति पर पैसा पर किनाया जाता है ये कितना बार इंटरव्यू लिए एस एस सी का लीक कैसे हो जाता है जब सरकार दुरुस्त है तो क्वेश्चन कैसे लीक हो गया ये सारा बिहार का बेरोजगार आदमी जो है बीए पास करके सर्टिफिकेट लेकर चाहते अपना तेजस्वी यादव तो, तो स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से ठीक कर दिए थे बारह बजे रात में उठ के चले जाते थे अरे ते तेजस्वी यादव युवा है वो काम करने वाला लोग है तेजस्वी यादव को तो बुर्बक लड़का थोड़े है वो सीएम लालू यादव के लड़का है तो पिताजी का गुण तो कुछ होबे ना करेगा बच्चा को लेकिन गलती किया जाए इन लोग लो, लो, लो जो है सिस्टम में को नहीं पकड़े पलटू चाचा तो पलटूए चाचा है उतरा हे करेंगे उनको तो सरकार में बनना रहे उनको सरकार में सीएम बनते रहेंगे और क्या कहेंगे अगर फिर चुनाव होता है फिर बीजेपी से आरजेडी में पलटू चाचा जी को बोल रहे हैं नीतीश कुमार को अगर कर दिए तो फिर क्या होगा अभी समस्या गंभीर है क्योंकि पोजीशन बीजेपी के साथ है, है। पोजीशन बीजेपी के साथ है और चिरागे पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे जी हम जानते हैं जब बीजेपी के अगर कोई कैंडिडेट है बिहार में मुख्यमंत्री निकाल तो वो चिरागे पासवान क्योंकि चिराग पासवान के साथ हर कॉम का रुझान है